देश को जो है लाभान्वित करने का कष्ट करेंगे। Thank you, Principal, for this institution, its ETUs and my colleague who are running this course. What I can say right now, with this training institution, we are here just to create a plan for the village development. बेसिकली आइडिया ये है कि देखिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जिसकी 22 करोड़ आबादी है और इस 22 करोड़ आबादी के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे दो आपदा प्रबंधन केंद्र खोले हैं और दोनों ही लखनऊ में है। एक प्रशासनिक अकादमी लखनऊ में है और दूसरा राजमार्ग विकास संस्थान बख्श के तालाब लखनऊ में है। तो ये जो दोनों सेंटर है इनकी बड़ी भारी जिम्मेवारी है। इनकी जिम्मेवारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपदाओं के समुचित प्रबंधन के लिए एक प्लान होना चाहिए। अभी तक क्या है कि केवल राजस्व विभाग ही आपदा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अन्य सभी विभाग नहीं आ पाए हैं, वो उनका रोल भी डिफाइन नहीं हो पाया। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हर विलेज का एक प्लान होना चाहिए और उस विलेज का जो प्लान होगा उसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के जो मानक हैं उसके अनुसार से वो प्लान बने और जब एक विलेज का प्लान होगा तो स्टेट का भी प्लान बन जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं, इसके प्रशिक्षण आयोजित किए जाए। तो इस प्रयास में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और जितने भी इसमें प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनके नाम से, उनकी रिकमेंडेशन से ये प्लान तैयार होगा और ये जो प्लान आप बना के देंगे ये यहाँ पे जिलाधिकारी, ये कॉपी जिलाधिकारी के पास जाएगी और अन्य कॉपियां रिलीफ कमिश्नर यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में दूसरी कॉपी जाएगी, एक कॉपी एसआईआरडी की डायरेक्टर जनरल जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं मुख्य सचिव के ही बराबर के इक्विवेलेंट है उनको जाएगी और एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी को भी जाएगी क्योंकि पूरी आपदा का जो कमेटी है उसका जो चेयरमैन है वो चीफ सेक्रेटरी है। साथ ही साथ ये इस जो आप प्लान बनाएंगे इसकी कॉपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम जाएगी। ओके, तो आप देखिए कि आपके बनाए गए जो कार्य है, जो प्लान है आपका, इसका कितना महत्व है। अगर ये सही तरीके से बनेगा तो प्रिंसिपल साहब का भी नाम होगा, आपके जनपद का भी नाम होगा और इसको मॉडल के रूप में ये प्लान रखा जाएगा। तो ये प्लान बनाना है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं, खासतौर पर हमारे राजस्व विभाग के जो लोग हैं उनको ऑलरेडी पता है कि प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका लंबा अनुभव है और तो ये सब मिलके इस प्लान को तैयार करें। ओके, तो हमने बेसिकली जो पूरे चार दिन का लघु लबाव है, चार दिन का जो बात है वो इस बात पर आंकी जाएगी कि प्लान कैसा बना, इस बात पर ही आनी मानी जाएगी कि कौन 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 से अतिथि वार्ताकार थे, क्या वहाँ पे सुविधाएं थी, बल्कि अल्टीमेटली इसको प्रशिक्षण के जो गुणवत्ता को इस रूप में देखा जाएगा, जो प्लान बन के आया है वो प्लान किस स्तर का है और ये जो प्लान और ये मैं ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट का ये सौभाग्य कि जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसमें आपके जनपद को पहले चरण में लिया गया है और आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है तो इसका विशेष महत्व इस बात पर है कि प्लान किस प्रकार का प्लान आप नेशनल लेवल पे भेजते हैं। अल्टीमेटली चीफ सेक्रेटरी की पास कॉपी जाएगी और वही कॉपी जो है एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट के पास रहेगी। तो बहुत अच्छे मनोयोग से हम प्लान को बनाए और कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल कार्य है लेकिन इसको इस रूप में दिया जाना है कि क्या इसमें प्राथमिकताएं हैं, क्या लोगों से कंसल्ट किया गया है या नहीं किया गया,
प्लान तो यहाँ बैठ के भी बनाया जा सकता है, लेकिन जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव के ग्राम पंचायत के लोगों से हमने सलाह ली है नहीं ली है, वहाँ के ग्राम वासियों से सलाह ली नहीं है, इत्यादि बातें हैं जो इसमें प्रमुख रूप से रहेंगी। तो मुझे इतना ही कहना है, अब इसके आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं कि प्लान में क्या क्या आउटलाइन है उसको देखेंगे, और साथ साथ अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। मैं कई वर्षों से ट्रेनिंग के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, वर्तमान में भी मैं अभी भी कार्यरत हूँ। मैं आर्मी कैंप प्रशिक्षण विभाग और जो आर्मी कैंप प्रशिक्षण और पब्लिक प्रिवेंशन मंत्रालय है उससे, उसमें मैं उनके नेशनल पूल ऑफ ट्रेनर्स में मैं कार्यरत हूँ, और साथ ही साथ मेरा फील्ड डिजास्टर भी रहा है, आपदा प्रबंधन। यानी जब से SDMA स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब से मैं SDMA का कंसल्टेंट हूँ, और जो उत्तर प्रदेश का दूसरा आपदा प्रबंधन सेंटर था उसका भी मैं प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। यानी कि मैंने 5 साल उत्तर प्रदेश के जो दूसरा आपदा प्रबंधन केंद्र है उसके प्रमुख के रूप में कार्य किया, और उत्तर प्रदेश की जो आपदा प्रबंधन से संबंधित बातें थी वो मैंने नेशनल लेवल पे भी रखी और इंटरनेशनल लेवल पे भी रखी। मैंने थाईलैंड बैंकॉक में जो आपदा प्रबंधन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, उसमें अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। तो मैंने ये देखा कि हमारे प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे प्रदेश में प्लानिंग की भी कमी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अच्छी प्रकार से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इस बार बदायूं जनपद से जो प्रेजेंटेशन होगा इस आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, वो एक अपने एक विशेषता विशेष रूप का होगा, और इसकी जो बात होगी इस गांव में क्या समस्याएं हैं, प्रिपेयरनेस को लेके गांव में क्या समस्याएं हैं, रिस्पॉन्स या राहत को लेके गांव में किस प्रकार से मिटिगेशन किया जाए, वो सभी प्लान के अंदर बताया जाएगा। तो धन्यवाद, हम प्रारंभ करते हैं इस सेशन को, और सबसे पहले कि वर्तमान में क्या सरकारी ढांचा है ना, आप लोगों ने काम किया जरूर है, लेकिन वर्तमान में क्या इसका स्वरूप निकल के आया है उस पर हम।